जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी वो Z2 वायरिंग पे होने वाली है कि Z2 वायरिंग में के जो कपलर है वो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। J1 के हमने दो बार बना दी है लेकिन J2 की एक बार भी नहीं बनी है, इसलिए लोगों ने और आप लोगों ने जो मांग की है उसी के हिसाब से हम लोग जो है आज J2 वायरिंग पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों J2 वायरिंग के लिए इंजन हमारा वही है जिस पे हमने J1 वायरिंग पे अभी एक दो दिन पहले ही वीडियो आपको दी थी। तो ये हमने J1 वायरिंग का जो कपलर है वो यहाँ लगा हुआ है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से बात की एक एक कपलर के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाके देखिए। तो आप लोगों ने कहा था कि भैया J2 वायरिंग के बारे में क्यों नहीं बता रहे, तो मैं आपको आज J2 वायरिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा कपलर इसका कहाँ कहाँ तक जाता है लोकेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका J2 का कपलर। ये वायरिंग हमने खोल रखी है क्योंकि इंजन इसका बाहर निकला हुआ, ये एक्सीडेंट गाड़ी का है तो ये जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने इसको यहाँ पे देखिए बिछा ली है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो ये तो हो गया हमारा जो है कपलर, मेन कपलर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए थोड़ा यहाँ से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक मुंह मिलेगा जो आगे जाके दो तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमारी केन है, वो यहीं पे कनेक्ट हो जाएगी J1 वायरिंग में। ठीक है, जो मैंने कल आपको बताई थी कि यहाँ पे J2 वायरिंग की जो है केन लगेगी तो वो चीज़ यहीं पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यानी ये J1 वायरिंग J2 से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका जो दूसरा मुंह है वो वैसे तो आगे से होके यहाँ से होके जाता है लेकिन मैंने बार बार इसको रखा हुआ है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये कपलर मिलेगा जो ये कपलर है और ये 5 फीट का कपलर है और ये इसका विस्कस का कपलर AC फैन का जो यहाँ पे विस्कस इसमें लगता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको पकड़ के जब आगे जाएंगे तो एक ये है जो कंप्रेसर क्लच का है जो AC का है वो यहाँ पे लगेगा इसमें। ठीक है, ये AC का कंप्रेसर है और ये यहाँ पे दो पिन उसकी। उसके बाद जब आप थोड़ा घूम के आगे जाओगे तो जो ये दो पिन है वो आप यहाँ पे अल्टरनेटर की पाओगे, यहाँ पे इसमें अल्टरनेटर लगा है, हालांकि हमने खोल के पीछे रखा हुआ है अल्टरनेटर को क्योंकि इसमें इंजन में बहुत सारी चीज़ें जो है टूट फूट है। तो ये जो दोनों कपलर आप कंप्रेसर का देखोगे तो हम लोग घूम के वापस जाते हैं J2 कपलर के पास और वहाँ से देखते हैं दूसरे कनेक्शन कहाँ कहाँ तक इसके जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक कि हम लोग बात कर चुके हैं और अब हम इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये एक अर्थिंग है जो इंजन पे ही लगा हुआ होता है। ये वाला जो अभी मैं आपको इसका लोकेशन भी बता दूँ, ये यहाँ पर ये देखिए ECM के जस्ट नीचे यहाँ पे ये अर्थिंग लगता है। ठीक है, थोड़ा जब हम आगे जाएंगे तो आप लोग देखिए अब इसमें फिर से वायरिंग के दो भाग हो गए हैं। तो हम लोग जो पहले पीछे की तरफ वायरिंग जा रही है उसकी बात करेंगे फिर वापस आगे वाले की। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जब आप बीच में घेर के यहाँ पे पहुँचोगे तो ये एक्चुअल में भी ये मैंने बिछा भी इसी तरीके से रखी है और जब ये फिटिंग होती है तब भी ये इसी तरीके से यहीं पर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक मुँह निकल रहा है इसका जो घूम के ये कहाँ जा रहा है टर्बो की तरफ घेर के ऊपर से। ये अलग ही थोड़ी सी आगे की तरफ होती है यहाँ पे लेकिन मैंने यहाँ ले ली, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हो। ये है TBAP सेंसर, ठीक है, टर्बो वाला जो यहाँ पे ये पिन इसकी लगती है जब ये वायरिंग एक्चुअल में होती है तो ये यहाँ से होके आती है। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं उसी तरफ। सो यहाँ तक हमने इसकी बात जो है कर ली है और अब इससे आगे की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है मैं थोड़ी बहुत गाइडलाइंस वगैरह देता रहता हूं और आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं तुरंत उस पर जवाब देता हूँ और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक बात अब कर चुके हैं और इससे आगे जब हम जाएंगे तो देखिए ये जो कपलर है हमारा पीछे जा रहा है ये चेसिस में होता है और ये यहीं पे होता है। ठीक है, वहाँ से आप लोग एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो इसके जो J2 वायरिंग के हैं वो लास्ट है यहाँ तक। ठीक है, इसमें जो आपको दो कपलर नज़र आ रहे हैं
एक कपलर जो है दोनों ही कपलर वैसे तो करंट के ही हैं, बैटरी में से मेन ECM में जा रहा है और एक आगे जो मेन वायरिंग में जाएगा, ठीक है। ये दो कपलर हो गए उसके, और ये जो कपलर है आपको इसमें ACR की वायरिंग कनेक्टेड मिलेगी। ACR का जितना भी सिस्टम है, ACR के बाद साथ में और भी आपको डीजल टंकी का जो कपलर है वो भी इसी से कनेक्टेड है, डीजल फिल्टर का जो कपलर है वो भी इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग बात कर चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं वापस ECM पे और देखते हैं आगे वाली वायरिंग के बारे में। तो ECM पे हम लोग वापस आ चुके हैं और ECM से इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं और साथ में इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ से वायरिंग के दो मेन भाग हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस आगे वाली वायरिंग की तरफ चलेंगे। जब ये वायरिंग इसी तरीके से होती है, एक्चुअल में चेसिस में भी इसी तरीके से ये फिटिंग होती है, हाँ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है बट ज़्यादातर ये यहीं पे होती है। तो जब आप आगे जाओगे तो रेडिएटर के पास में आपको सबसे पहले ये केबल देखने को मिलेगी जो कुछ इस प्रकार है। इसका कपलर जो है टूटा हुआ है, लेकिन ये जो है आगे एक बम्पर में और बम्पर के आगे जो वो होता है क्रॉस मेंबर, उसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है, उसमें ये पिन लगती है। उस सेंसर का कपलर है जो आगे का टेम्परेचर या एयर जो भी है हवा का वो सिग्नल ये देता है, और उसका फॉल्ट कोड जो है शायद 4747 होना चाहिए, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। और इसके बाद जो वीडियो आपको फॉल्ट कोड पे देखने को मिलेगी इसी इंजन के, कि कौन से सेंसर का कौन कौन सा फॉल्ट कोड आता है। यहाँ तक कि हम बात कर चुके हैं और ये आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ कि इसके बाद की जो वीडियो आपको बहुत जल्दी एक एक सेंसर के फॉल्ट कोड के बारे में देखने को मिलेगी, कि कौन सा सेंसर का जो है कौन सा फॉल्ट कोड है और किस सेंसर पर वायरिंग टच हो सकती है और किस सेंसर पर जो है फॉल्ट कोड पर जो है जो चीज़ है सेंसर है वो खुद ख़राब हो सकता है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, और वीडियो को लाइक तो करनी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आजकल आप लोग फीडबैक बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, या कोई मेरी वॉइस में कमी है या वीडियो में कमी है, वीडियो की क्लियरिटी सही नहीं है, जो भी दिक्कत है आपको बताओगे तभी तो मैं सोल्यूशन करूँगा। और काफ़ी टाइम से वीडियो मेरी नहीं आ रही थी किसी कारणवश, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो अब आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम वीडियोज़ देखने को मिलेगी। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को शेयर कर दो यार, बिल्कुल कर दो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है आपके लिए मैं टाइम निकाल पाता हूँ। सो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक पे आप लोग देखिए यहाँ तक कि जो है हम बात कर चुके हैं, और इसके आगे आप देखिए सिर्फ अब थोड़ा ही बचा है। इसके आगे जब हम जाएंगे तो आपको ये तीन कपलर देखने को मिलेंगे J2 वायरिंग के, ठीक है। अब जो मैंने पीछे आपको एक कपलर बताया था करंट का मेन जो बैटरी से आ रहा है, वो एक कपलर यहाँ पे आ रहा है, इसके जो तार है तीन, ठीक है। मैं एक वापस बैक करके मैं आपको दिखा दूँ कौन सा वाला है, इसके आप कलर देख लीजिए। देखिए करीब रेड है, एक लाल कलर लाल पे काली धारी है, और एक जो पीली धारी है लाल पे, और जो तीसरा है वो भी लगभग लाल कलर का ही है, पूरा लाल है, ठीक है। उसका जो कपलर है वो कौन सा वाला था, ठीक है, आप लोग देखिए इसका ये कपलर है, ठीक है। दो कपलर लगे हुए हैं, एक ECM का है और एक आगे की तरफ जा रहा है, ये वाला कपलर जो है इसका है, आप कलर देख के आराम से पहचान जाओगे। तो चलिए जो दूसरे कपलर बचे हुए हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। और ये जो कपलर है ये इसका मेन कपलर है, अपने जो इग्निशन वगैरह में जो करंट जाता है वो यहीं से जाता है, और जितने भी क्लस्टर मीटर बोर्ड में जो करंट जाता है ECM का जहाँ जहाँ जरूरत है वो सारा यहीं से जाता है। इसी जो अपने फ्यूज बॉक्स में फ्यूज वगैरह जो लगे हुए होते हैं ECM के, वो यहीं से करंट जाके जाता है वहाँ पे, ठीक है। और एक ये छोटा कपलर है वो मेन वायरिंग के लिए है। तो उम्मीद है आपको एक एक चीज़ J2 वायरिंग की भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में भी था कि J2 वायरिंग के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। सो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही वीडियो में उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।